और ये आपको सीधा सुनवाते हैं अखिलेश यादव इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। ने बताया, मैंने उन विधायक जी को और उस समय लालजी टंडन जी को बुलाया और कहा कि आज ही के दिन से वाराणसी में 24 घंटे बिजली होगी। लेकिन मैंने उनसे एक वादा करवाया था और वादा ये करवाया था कि उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा बढ़ जाए। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश की जनता ने जब दो दो बार दिल्ली की सरकार बनवाई, एक बार फिर बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मौका मिल गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार मिलकर के भी उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा नहीं बढ़ा पाए। अगर इन्होंने तैयारी की होती बिजली खरीदने की तो शायद उत्तर प्रदेश को अंधेरे में नहीं रहना पड़ता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा झूठ बोलने वाला दल नहीं है। याद कीजिए, उन्होंने वैध अवैध की बात की थी स्लॉटर हाउस को लेकर के, लेकिन एक्सपोर्ट में नंबर वन कर दिया देश को। ये जो लाउड स्पीकर वाली जानबूझ करके लेकर के आए हैं, वो जानते हैं कि अगर बेरोजगारी की बात करेंगे और बेरोजगारी के आंकड़े देने पड़ेंगे तो बेरोजगारी के आंकड़े नहीं हैं। आज भी नौजवान लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने जाकर के अपनी नौकरी की मांग कर रहे हैं। सोचो, उन्हें लाठी खानी पड़ी। और यही नहीं, पिछले 5 साल में न जाने कितने नौजवानों को लाठी खानी पड़ी, लाठी खा करके अपमानित होना पड़ा। और आज कई नौजवान ऐसे हैं जो सुनने में मिलता है और खबरें आती हैं कि वो आत्महत्या तक कर रहे हैं। इसलिए सरकार जानबूझ करके लाउड स्पीकर पर बहस छेड़ना चाहती है। और ये कोई आदेश आज का नहीं है, पहले से इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया ये सरकार बताए कि जिन अधिकारियों के उपस्थिति में ये सब उल्लंघन हुआ है नियमों का, उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई सरकार करेगी। वो बात हो चुकी है और बीजेपी की जो इंटरनल रिपोर्ट थी, उस इंटरनल रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने उनका साथ दिया। ये हमारे दाएं वाले साथी ने आपका सवाल भुलवा दिया। देखिए, पिछले 5 साल में भी कानून व्यवस्था खराब थी, लेकिन उन्होंने प्रचार के माध्यम से वो बात को दबा दिया। आंकड़े कभी सरकार ने पेश नहीं किए। जो आंकड़े दिल्ली की सरकार के पास हैं, उसमें कानून व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब है उत्तर प्रदेश की। और आज तो देखने को मिल रही है कब किसकी हत्या हो जाए, कहाँ डबल मर्डर हो जाए, कहाँ खेती को लेकर के, ज़मीन को लेकर के ये हो जाए। इसीलिए कानून व्यवस्था पर बहस ना हो, लोगों के ऊपर जो अन्याय हो रहा है उस पर बहस ना हो, इसीलिए सरकार ये बुलडोजर चला रही है। और सवाल बुलडोजर का अगर है तो वो दल देख करके, जाति देख करके और ये देख करके कि मुसलमान का है, इसलिए बुलडोजर चलेगा। देखिए, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है, समाजवादी पार्टी आदरणीय आजम खान साहब के साथ है। देखिए, रोजा अफ्तार पार्टी में पहुंचे अखिलेश यादव और यहां पर मीडिया को संबोधित करते हुए सरकार पर हमला बोला। बिजली संकट को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया, कहा कि केंद्र और यूपी सरकार ने बिजली को लेकर इंतजाम नहीं किया। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर के आजम खान से मिलने के सवाल पर बोले कि देखिए, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है। एक बार फिर से बात दोहराई अखिलेश यादव ने। आपको बता दें, इससे पहले भी इस बात को दोहरा चुके हैं अखिलेश यादव कि वो आजम खान के साथ हैं, पूरी पार्टी आजम खान के साथ है।